वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बच्चों की एक नई समस्या को लेके मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। और बच्चों की परवरिश सभी पेरेंट्स के लिए सिंपल नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही अच्छा और संस्कारी बने, लेकिन बच्चा कभी कभी गलत आदतें भी एक्सेप्ट करता है और गलत व्यवहार करने लगता है। बिगड़ने की जो ये राह होती है वो उस पर चलने लगते हैं और उसे संभालना बहुत मुश्किल होने लगता है या आसान नहीं होता है पेरेंट्स के लिए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में जो एज ए मदर होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने जो बिगड़ते हुए बच्चे को है वही सही राह पर ला सकती है, क्योंकि उसके ही बच्चा सबसे ज़्यादा करीब होता है और बच्चे को वो हर तरीके से समझने में सक्षम होती है। इसीलिए उसे माँ का दर्जा दिया गया है, इसीलिए माँ का ही। तो उसे अपने बच्चे के मन की बात को जानना है कि वो किस राह पे क्यों गया, उसने ऐसी गलती क्यों की, उसने ऐसा काम क्यों किया। इन सभी चीज़ों को बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चे के साथ भी बैठ के बात करें। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मैं आज इस वीडियो में इसी बात का सोल्यूशन लेके आई हूँ कि आप अपने बच्चे को अगर वो बिगड़ रहा है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सही राह पे ला सकते हैं। शायद ये वीडियो कुछ हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो वाकई में हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूँगी कि आप सभी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और अगर बच्चा ऐसी किसी कंडीशन में फंस जाता है तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं। और बच्चों को ये सिचुएशन आना नॉर्मल होती है, क्योंकि वो बाहर जब निकलते हैं ना तो बहुत कुछ देखते हैं, जिसमें मैक्सिमम ऐसा ही होता है, बच्चे गलत चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी चीज़ों को देर में। तो आपको ही उन्हें डील करना है, आपको उन्हें समझाना है, उनसे बात करते रहना है, आपको हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहला मेरा यही पॉइंट है कि माँ को बात की तह तक पहुँचना। जी हाँ, अगर माँ जो होती है वही अपने बच्चे की बात को समझ भी सकती है, और अगर वो अपने पे आ जाए तो बच्चे को सही राह पे भी ला सकती है, और वो बच्चों की बातों को सुनकर उसको बहुत अच्छे से गौर करके उसकी तह तक जा सकती है। अगर बच्चा आपका गलत राह पे जा रहा है तो आपको भी उसे सही राह पे लाने के लिए उसकी बातों को सुनना होगा, पूछना होगा। अगर उसमें उसको कोई प्रॉब्लम का सलूशन है तो आपको उसे देना होगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको और वो आपसे कह नहीं पा रहा है तो आप उस पर अच्छे से उसकी हिचक को मिटा के अपने आप को उसका फ्रेंड या जो भी आप उसके सामने पेश कर सकते हैं, आप उसका बन के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मदद क्यों अपनाई? उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने ऐसा काम किया? उसके साथ बैठ के बात करिए, गुस्से से नहीं प्यार से, पेशेंस के साथ। गुस्सा आ सकता है, उसकी किसी बात पे आपको बहुत बुरा भी लग सकता है, पर आपको पेशेंस के साथ उससे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया तो फिर वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। तो आप इस तरीके से बच्चे के साथ ओपनली दोस्ताना व्यवहार करके फ्रेंडशिप की तरह उससे बात करिए और उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए। उसको आप अपनापन दिखाएंगी ना तो वो वाकई में सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी बात को जरूर सुनेगा। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि आप सूझबूझ का परिचय दें। जी हाँ, ऐसा होता है कि हम बच्चों की बात को सुन लेते हैं फिर उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, और उनकी उसी बात में उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है। हमें अपनी सूझबूझ से उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढना है और उसके साथ में अपने बच्चे के साथ में डील करना है, तभी तो हम उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं यही चाहते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम का सलूशन निकले और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और वो बच्चा है। फ्रेंड्स, अगला मेरा पॉइंट यही है कि आप बच्चे की बात को बहुत ही ध्यान से गौर से सुने। जी हाँ, अगर आप बच्चे की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे और बात कंप्लीट होने से पहले ही आपने उस पर गुस्सा दिखा दिया तो वो जिद्दी हो जाएगा। गुस्सा वो भी कर सकता है, आपको पलट के जवाब भी दे सकता है, हो सकता है कि वो एरोगेंट हो जाए। आपको उसे ऐसा होने से रोकना है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका ऐसा बिहेवियर ना हो तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ उसकी बात को सुनना होगा। अगर बात चाहे जितनी भी गलत हो, आपको लगता है कि वो 100% भी गलत होगा, फिर भी आपको उसे बहुत ही प्यार से, बहुत पोलाइट नेचर से ही डील करना है। ऐसे मेरे कुछ पॉइंट थे जो आई थिंक आपको हेल्पफुल लगे होंगे,
और वाकई में अगर ये आपको हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स की प्रॉब्लम यही है, बच्चे बहुत जल्दी निगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से निगेटिव चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की टिप्स को अपना सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।